प्राचीन समय के ये पुल छोटे छोटे इस रास्ते पर बनाए गए हैं, जिसके अंदर सीमेंट और लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अंदर पत्थर और चूना मिट्टी से बनाए गए हैं। पहले के टाइम पे इस पुल पे 10 साल हो गए इस रास्ते से। ओह बहुत सज रहा है गुलाम भाई, गुलाम भाई, हे गुलाम भाई। हम ना दोस्तों इसी रोड से जाएंगे, मगर अभी यहाँ पर देखिए कितना जाम लगा हुआ है। डल के अंदर आपको छोटी बड़ी मछलियां भी देखने को मिलेंगी, जिनका लोग शिकार करते हैं। छोटे बड़े को सभी को इसका शौक होता है, भले ही पूरे दिन। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं हूं शुएब और एक नई ब्लॉग में फिर से आपका स्वागत है दोस्तों। और इस वक्त हम खड़े हैं जम्मू कश्मीर की डल झील पर। आप देख सकते हैं डल झील है, और आज हम आपको एक ऐसा ब्लॉग दिखाना चाहते हैं जो आपने कभी पहले नहीं देखा होगा। यहाँ की बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, लेकिन आज हम जाने वाले एक ऐसे प्राचीन रास्ते से जो हजारों साल पुराना है, वहां पर आप बाइक से जा सकते हैं या पैदल, गाड़ी वहां तक नहीं पहुंचेगी। तो चलिए व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। हम ना दोस्तों इसी रोड से जाएंगे, मगर अभी यहां पर देखिए कितना जाम लगा हुआ है। और ईद की खुशी में सभी लोग टूलिप गार्डन देखना चाहते हैं। टूलिप गार्डन एक ही महीने के लिए खुलता है, ये सारे का सारा जाम टूलिप गार्डन की वजह से यहाँ पर लगा हुआ है। और यहाँ से थोड़ी दूरी पर निषाद का इलाका लग जाएगा, जिससे हम बीच सेंटर से डल के अंदर से जाएंगे। बहुत ही शानदार रास्ता आपको दिखाएंगे। तो आप देख सकते हैं काफी जाम लगा हुआ है यहाँ पर, बहुत ही मुश्किल है यहाँ से निकलना। पता नहीं किस तरीके से हम पहुंचेंगे आज वहां तक। और वो रास्ता जो आप देख रहे हैं ना, वो डल के बीच वाला जो रास्ता हम देख रहे हैं, वहीं से हम आज आपको एक ऐसी वीडियो दिखाएंगे, शायद इससे पहले किसी प्लेटफॉर्म पर आपको वो वीडियो देखने को नहीं मिलेगी, ना ही वहां का किसी ने आज तक व्लॉग बनाया है। क्योंकि वहां जाने के लिए आप गाड़ी से नहीं जा सकते वहां, या तो पैदल या तो फिर ज्यादा से ज्यादा अपनी बाइक से जा सकते हैं, वहां पर रास्ता ही नहीं है जाने के लिए। तो लगभग हम पहुंच गए हैं दोस्तों, ये निषाद का इलाका आ गया है। और वो सामने आप देख रहे हैं वही इसका पॉइंट है, जहां से हम लेफ्ट साइड से अंदर जाएंगे। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये पॉइंट आ गया है। यहाँ पर भी कितना खूबसूरत नजारा हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ से रास्ता काफी चौड़ा नजर आ रहा है, लेकिन आगे जाने के बाद में ये काफी छोटा हो जाता है। और आपको मैं दिखा देता हूँ जहां से हम अभी इस वक्त आ रहे हैं, तो वहां से आप देख सकते हैं वो सामने से हम उस तरफ से यहाँ तक आ पहुंचे हैं। और चलिए आगे का नजारा देखते हैं दोस्तों। बस यहाँ से आप दोस्तों पैदल या फिर बाइक से जा सकते हैं, क्योंकि रास्ता इतना छोटा है कि बस यहाँ से आप पैदल ही जा सकते हैं। देखिए और कितना खूबसूरत नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, रास्ता वैसे वैसे और भी सुहाना होता जा रहा है। यहाँ से देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत नजारा हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और ये सामने आप जबरवन पहाड़ों का एक खूबसूरती देख सकते हैं, बहुत ही शानदार। और यहाँ पर चलने में ऐसा लग रहा है जैसे एक समंदर के बीच में से चल रहे हो, और बहुत ही शानदार फील हो रही है यहाँ पर। जब भी आप कभी आएंगे कश्मीर घूमने, तो दोस्तों यहाँ की सैर जरूर करना, बहुत ही शानदार नजारा है यहाँ का। आप देखिए कितना मजा आ रहा है इस वक्त। 10 साल हो गए इस रास्ते से। बहुत सज रहा है गुलाम भाई, गुलाम भाई, हे गुलाम भाई। प्राचीन समय के ये पुल छोटे छोटे इस रास्ते पर बनाए गए हैं, जिसके अंदर सीमेंट और लोहे का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया गया। इसके अंदर पत्थर और चूना मिट्टी से बनाए गए हैं। पहले के टाइम पे इस पुल पे उतरने के लिए एक आदमी को बाइक से नीचे उतरना पड़ता था, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा ठीक कर दिया गया है। जैसे हम देख रहे हैं काफी बेहतर ये रास्ता हो गया है अभी। और यहाँ पर बहुत कमी से लोग घूमने के लिए आते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, ये सिर्फ वही लोग आपको नजर आएंगे जो यहाँ पे आसपास के रहने वाले हैं, बाकी टूरिस्ट यहाँ पर आते नहीं है। डल के अंदर आपको छोटी बड़ी मछलियां भी देखने को मिलेंगी, जिनका लोग शिकार करते हैं। छोटे बड़े को सभी को इसका शौक होता है, भले ही पूरे दिन एक भी मछली ना आए, लेकिन फिर भी इंसान इसके लिए पूरा दिन अपना गवा देता है, क्योंकि शौक बड़ी चीज होती है। और दोस्तों शाम के 5 बज चुके हैं, और यहाँ का मौसम बाहर के मुकाबले, जैसे अभी हम ट्रैफिक जाम में थे वहां पे काफी गर्मी थी, यहाँ पर ठंड का काफी एहसास हो रहा है। और एक बार मैं आपको चारों ही तरफ से दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना सुंदर, कितना खूबसूरत इन पहाड़ों का नजारा, और इसी की गोद में ये डल झील। देखिए दोस्तों 2-3 किलोमीटर का हमने डल के अंदर का रास्ता यहाँ तक पूरा किया, लेकिन अभी ये भी डल का एक हिस्सा है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। और यहाँ पर ना आपको दोनों साइड में ये छोटे छोटे मकान आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये डल के अंदर बनाए गए हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत नजारा होता है यहाँ का भी। और यहाँ पर है ना देखिए मौसम कितना शानदार मौसम है यहाँ का, और लगता है जैसे कि अभी बारिश हो जाएगी। जैसे ही हम आगे आगे बढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम सिटी में रैनाबारी के इलाके में पहुंच जाएंगे। दोस्तों अभी ना हम रैनाबारी पहुंच चुके हैं, और शहर में हम चल रहे हैं, और यहाँ से चलते चलते हम दलगेट तक जाएंगे। अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये रैनाबारी का चौक आ गया है।
और इसी के आगे हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो हम पहुंच जाएंगे खानियार। तो इसके बाद में ना दल गेट तक हम इसी तरीके से जाएंगे, देखते हुए यहाँ पे भी काफी जाम लगा हुआ है। देखिए खानियार का इलाका है, हम खानियार पहुंच चुके हैं। ये वीडियो मैंने दूसरी ईद को बनाई है, तो अभी सभी लोग बाहर निकल चुके हैं। चलिए अभी हम ना थोड़ा सा इस तरफ से टर्न ले लेते हैं और यहाँ से जाएंगे, और यहीं से चलते चलते हम सीधे दल गेट तक पहुंचेंगे। अभी मार्केट सारी बंद है, और यहाँ पर जो हम अभी पहुंचे हैं ये खयाम का इलाका है। अभी खयाम इलाके में हम पहुंच चुके हैं दोस्तों। जिस जगह पर अभी हम पहुंचे हैं इसको कहा जाता है पोलो व्यू मार्केट, और यहाँ से अगर हम सीधे चले जाते हैं तो हम लाल चौक पहुंच जाएंगे, और इस तरफ अगर हम जाते हैं तो हम पहुंच जाएंगे दल गेट। मार्केट तो आज पूरी तरीके से बंद है क्योंकि सभी लोग ईद मना रहे हैं, और ईद का आज दूसरा दिन है। और यहाँ पर भी देखिए भैया कितना जाम लगा हुआ है, शहर के कई हिस्सों में आपको आज जाम देखने को मिल जाएगा, और यहाँ पर नहीं ये पूरे देश के अंदर यही होगा क्योंकि आज ईद का दिन है, सभी लोग खुशी से बाहर निकल आते हैं। तो अभी जहाँ पर हम पहुंचे हैं दोस्तों इसको दल गेट कहा जाता है, हम दल गेट के इलाके में। चलिए इस तरफ सनवारा के इलाके से चलते हैं, ये सोनवारा का इलाका है जहाँ से हम चल रहे हैं। तो बस यहीं तक आज का व्लॉग था हमारा दोस्तों। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और ऐसी कोई वीडियो मैं आपके लिए जल्दी से लेकर आता हूँ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, बाय बाय।